दीदी मेरी ड्रेस प्रेस कर दो ना, नहीं तो मुझे स्कूल जाने में लेट हो जाएगी। मम्मा पापा तो फोन में बिजी हैं। हाँ मेरे बच्चा, पहले मैं आपका काम करूंगी, उसके बाद भैया भाभी का। शीला मेरे लिए कॉफी बना दो। लाई मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना देना। ला रही हूँ। थैंक यू। माही को रेडी कर दिया? हाँ दीदी। उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद खाना बना लेना। ठीक है दीदी। अच्छा बाबू एक बात बताओ, आप बड़े होकर क्या बनोगे? दीदी मैं बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगी। पुलिस ऑफिसर क्यों? मैं मम्मा पापा का फोन छीनूंगी। पुलिस ऑफिसर से सब डरते हैं ना। हाँ डरते तो है। अच्छा चलो मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ, फिर मेरा बाबू बड़ा होके जल्दी जल्दी पढ़ाई करके पुलिस ऑफिसर भी तो बनेगा। सारा काम शीला ही करेगी। भाई का ध्यान नहीं रख सकती हो? उसके स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। बता रहा हूँ तुम एक दिन बहुत पछताओगी। क्या पछताऊंगी मैं? बोलो क्या पछताऊंगी? गलती कर दी तुमसे शादी करके। इससे अच्छा होता कि मैं माँ बाबूजी की मर्जी से शादी कर लेती। तुम्हारी वजह से मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुमसे एक माई का ध्यान नहीं रखा जाता? मैं पछताऊंगी। तो मैंने कहा था तुमसे कि तुम सारे रिश्तेदारों के साथ में नाता तोड़ दो अपना। तुम्हें फोन से फुर्सत मिले तब ना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमसे बात करने से अच्छा तो मैं दीवारों में सर मार लूं। बेटा मेरे पास में बहुत ज्यादा काम है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आप एक काम करो, आप अपनी मॉम को बोलो जाके, वो आपका होमवर्क कराएंगे। ठीक है जाओ। मॉम मॉम मेरा होमवर्क करा दो ना। मैं भी अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, तुम जाके अपने पापा से बोलो, वो करा देंगे। मॉम पर पापा तो काम कर रहे हैं ना। जैसे करना है वैसे कर लो। ठीक है जाओ यहाँ से। जाओ। मैं भी अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, तुम जाके अपने पापा से बोलो, वो करा देंगे। मॉम पर पापा तो काम कर रहे हैं ना। जैसे करना है वैसे करो। ठीक है जाओ यहाँ से। अच्छा सुनो, तुम कभी फोन मत लेना वरना तुम भी मम्मी पापा की तरह हो जाओगे। तुम्हें पता है मेरी मॉम डैडी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, पर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। दीदी आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं? हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या वो आपसे अपने फोन से और अपने काम से ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ वो मुझे अपने फोन से भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनके पास फोन ही नहीं है। अच्छा है ना उनके पास फोन ही नहीं है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? दीदी क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो मुझसे ज्यादा अपने फोन और अपने काम से प्यार करते हैं। अरे बाबू ऐसा नहीं है, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, सबको आपकी बहुत फिक्र। अच्छा एक बात बताओ, आप प्रॉमिस करो आप किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस?
मैं एक प्लान बनाऊंगी, आप बस वैसे वैसे करते जाना जैसे मैं आपसे बोलूंगी, फिर आपके मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करने लगेंगे। हाँ दीदी प्लीज कुछ करो ना, सब अच्छा होगा। तुम्हारा सारा काम हो गया है, अब तुम बस मेरे को एक बार टेबल सुना दो। 11 ones are 11, 11 twos are 22, 11 threes are 33, 11 fours are 44, 11 fives are 55, 11 six are 66, 11 sevens are 77, 11 eights are 88, 11 nines are 99, 11 tens are 110. ठीक है, अच्छा अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, मैं भी सोने जा रही हूँ। ठीक है दीदी, आज आप मेरे कमरे में सो जाओ ना। नहीं बाबू, भैया भाभी देखेंगे ना तो डांटेंगे, तुम प्लीज सो जाओ। नहीं तुम सो जाओ, सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम ध्यान ही नहीं रखती होगी बच्चों का, ध्यान रखना चाहिए यार, तुम ध्यान ही रखोगी तो कौन ध्यान रखेगा उनका। अच्छा किटी पार्टी, हाँ यार ऑर्गेनाइज कर लो प्लीज। हाँ बहुत दिन हो गए एंजॉय नहीं किया है दोस्तों के साथ। अच्छा प्लेस, हेलो 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 यार, ये फ़ोन की बैटरी भी डिस्चार्ज अभी होनी थी। एक तो ये चार्जर नहीं मिल रहा है मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया है, चार्जर। अरे माही बेटा मेरा चार्जर देखा क्या, देखा क्या? क्लास से मेरा चार्जर ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है। अरे तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुमने मेरा चार्जर देखा क्या? अरे मेरा खुद नहीं मिल रहा है लैपटॉप का चार्जर रात से। पापा मम्मी, जिस तरह आप लोग परेशान हो अपने चार्जर के खो जाने से, उसी तरह मैं भी परेशान हूँ आप लोगों के खो जाने से। आपकी जिंदगी फोन और काम है, और मेरी आप दोनों। इसलिए छिपा दिए थे ताकि आप लोग मुझसे बात कर सको, मुझे समय दे सको। सॉरी मैंने आप लोगों के चार्जर्स छुपाए, पर मुझे आप लोगों से बात करनी थी इसलिए मैंने चार्जर्स छुपाए। एक घर में रहकर ही इतने तन्हा थे हम, ना हम तुझसे वाकिफ थे ना तेरे बचपन से, हमने दुनियावी चीज़ों को और तूने खुद को खिलौना बना लिया। आई एम सॉरी चार्जर छुपाने के लिए। चिड़िया उड़, तोता उड़। अभी तो हम इतने बिजी हो गए हैं इस दिखावे की दुनिया में कि भूल ही गए हैं अपने बच्चों की खुशी। जो मिले थे संस्कार हमें हमारे पूर्वजों से, न जाने कहाँ खो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए ये खेल बस किताबों और कहानियों में रह जाएं।